से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो न जाना यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा अलग तरीके से किया। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया जो मैंने स्टार्टिंग में डाला है। सो अभी आम जिंदगी जो है वो वापस से धीरे धीरे सड़कों पर दौड़ने लगी है, लोग काम पर वापस जाने लगे हैं और कोविड के जो केसेस हैं वो काफी कम हो चुके हैं, जो न्यूज है वो पॉजिटिव आने लगी है। इसी के साथ अब हम लोगों ने अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दी है, क्योंकि पिछले एक महीने से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि टाइम ऐसा नहीं चल रहा था कि इसमें क्या ब्लॉग डालूं, जहां देखो वहां नेगेटिव न्यूज आ रही थी, बट अब पॉजिटिव न्यूज आने लगी है तो अपने ब्लॉग भी अब आएंगे। और इसी के साथ हमने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दिया आज से। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हो सारे सारे के सारे कमेंट में लिख के बताओ। सो वापस आ चुके हैं फुल जोश के साथ में, देख रहे हो इस कमरे में पंखा भी नहीं है, ठीक है गर्मी है, ऊपर वाला कमरा है, बट हमारा जो जोश है ना ब्लॉग बनाने का वो कम नहीं हुआ और गर्मी में भी ब्लॉग बना रहा है, ठीक है। सो अभी हाँ, और दूसरी चीज बता रहा था कि कल नाइट में मैं आधे घंटे के लिए भी नहीं सोया, देन सुबह 5 बजे मैं अपना जूते वूते पहन के निकल गया बाहर रनिंग के लिए, एंड देन फिर जो आप लोगों ने वीडियो देखा था स्टार्टिंग में वो शूट किया, वापस आया और आज 11 किलोमीटर मतलब टोटल जो मैंने गूगल का जो ऐप है ट्रैकिंग ऐप वो डाल लगा उसमें 11 किलोमीटर मैंने रनिंग की, मतलब रनिंग किया उसमें पैदल भी चला, शॉर्ट्स वगैरह भी लिए। सो काफ़ी कैलोरीज आज बर्न हो गई, तो मतलब शरीर में बिल्कुल भी कुब्बत नहीं थी। वापस आया घर पे, यहाँ पर अपना कैमरा वैमरा लगाया चार्जिंग पे और सो गया। मुझे लगा कि हाँ बैटरी वैटरी फुल चार्ज हो गई, अब रिकॉर्ड करते हैं। देन देखा कि मैंने स्विच जो था ना वो ऑन करना मतलब ऑन ही नहीं किया, बिना ऑन किए ही मैंने लगा दिया था, तो ऑन करना भूल गया था। तो फिर आधे घंटे फिर उसको ऑन करके रखा, देन फिर ब्लॉग शूट करने। बाकी आज पूरे दिन में क्या होगा देखो यार, अब मजे आएंगे, मतलब वापस से ब्लॉग आ रहा है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है। सो आज है हमारी वेडिंग की 6 मंथ एनिवर्सरी, और 6 मंथ एनिवर्सरी कौन ही मनाता है, वैसे तो लोग ईयरली भी नहीं मनाते बट मनाना पड़ता है, फैमिली को खुश करने के लिए मनाना पड़ता है, ठीक है। तो आज 6 मंथ एनिवर्सरी है, थोड़ा केक वेक काटा, तो इन्जॉय करो। Happy birthday to you. आज ले खूब खिलखिलाए के एक दूसरे। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एनिवर्सरी के टाइम पे, देखो हैप्पी बर्थडे वाला सेट है अपना, हैप्पी बर्थडे जब होता है तो वो लोग हैप्पी बर्थडे टू यू ये गा देते हैं, बट एनिवर्सरी हुआ या कुछ और फंक्शंस हुए उनके लिए कोई स्पेसिफिक ना ऐसे कोई सॉन्ग्स वगैरह डेडिकेटेड है नहीं, जो कि ठीक है घर वालों का प्यार है। और नीचे की दिखे दलाने को मुझे नीचे वाला ही है, मैं इसलिए नीचे वाला लेके आया। लो ठीक, हां खा पूरा खा, अरे अच्छा तो है। ये वाला हिस्सा वाइटी के लिए, देखते हैं वाइटी खाती है नहीं। वाइटी इसको स्मेल पसंद नहीं आई, वाइटी खा रुको टेस्ट करके देख, उसे नहीं पसंद वाइटी तो खाई नहीं रही, बिस्किट खाएगी, अरे बिस्किट है ये तो खा लेगी वाइटी, ये खा लिया वाइटी ने, खा ले खा ले खा ले, नहीं खाएगी, मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, वाइटी खा ले। सो
ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हुआ एंड आपकी मतलब टॉप सीक्रेट वाली बात होता तो मेरी आज एनिवर्सरी है और कल मेरी लड़ाई हुई मेरी वाइफ से। त्रिपाठी जी सो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दोस्त वगैरह से मिले आज अपन, मतलब वैसे तो मिलते रहते हैं बट व्लॉग में आज ले लिया। सो अभी चल रही है व्लॉग की एडिटिंग एंड अभी काफ़ी सारी सेटिंग्स इसमें जो होती हैं वो मैं भूल चुका हूँ, तो उनको थोड़ा देख रहा था वो कैसे काम करते हैं क्योंकि मैं प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, गूगल वगैरह की सहायता लेनी पड़ती है। एंड आज के व्लॉग को अभी एडिट करते हैं जल्दी से, देन उसको अपलोड करते हैं। एंड ये था आज का शॉर्ट सा सिंपल सा व्लॉग एंड अब जो है हमारे व्लॉग्स वगैरह वो रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। एंड अभी काफ़ी सारे प्लान्स थे मेरे, मतलब अगर जो लॉकडाउन नहीं लगता तो काफ़ी सारे प्लान हम एग्जीक्यूट करते और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आती, बट लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। बाकी अभी मैं जब एडिटिंग कर रहा था तो वो एक चीज़ मुझको समझ में आ रही है, वो ये है कि जो वीडियो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जब लो लाइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक DSLR परचेज करूँ। सो देखते हैं, अभी कोई थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ेगा क्योंकि DSLR मतलब लेना बहुत बड़ी चीज़ है और मतलब 60-70,000 को ना DSLR में डालना अभी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है और व्यूज़ तो भी आते ही नहीं है, तो अभी मतलब ये भी नहीं पता कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं, बट ठीक है देखेंगे। अभी आप लोगों का प्यार वगैरह मिलता रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, बट कि आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं।